ये स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज एलबीए, दैट इज लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। और इस वीडियो में हम एलबीए से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलबीए की अगर हम बात करें, यहाँ पे एलबीए का मतलब क्या है, इट इज व्हाट इट इज एक्चुअली अ ट्यूरिंग मशीन विद लिमिटेड साइज टेप। तो हमने यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन के बारे में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास होता है क्या है, जो इनपुट आउटपुट टेप है दैट इज इनफाइनाइट इन साइज। लेकिन अगर हम उस टेप को लिमिटेड कर दें बेस्ड ऑन व्हाट, इनपुट साइज। गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी हैव टू लिमिट द इनपुट आउटपुट टेप। जो मेरी इनपुट आउटपुट टेप इनफाइनाइट है उसको मैंने लिमिट कर दिया बेस्ड ऑन व्हाट, किस बेसिस पे लिमिट करना है, नॉर्मली कर दिया कि इनपुट साइज को बिना देखे मैंने कह दिया कि ठीक है यार इतना आपको स्पेस दे दिया या इतना दे दिया, नहीं, बेस्ड ऑन इनपुट साइज वी आर लिमिटिंग द टेप, बेस्ड ऑन इनपुट साइज वी आर बाउंडिंग द टेप, दैट इज व्हाट बिकम्स द लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिए, लेट्स से मैंने दो सिंबल लगा दिए डॉलर, मतलब आपकी जो कहानी है ना, जो आपकी इनपुट साइज है वो यहां तक ही रहेगी, आप इससे आगे क्रॉस नहीं कर सकते। आप डॉलर लगा सकते हो, आप एक तरह से यहां पे एंड मार्कर्स लगा सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, रुकना आपको यहीं पे है, मतलब इससे आगे क्रॉस आप नहीं कर सकते। तो ये बन जाता है एलबीए। अब अगर हम बात करें कि एलबीए स्टैंड कहां करता है बेस्ड ऑन पावर, अगर हम बात करें तो देखो एलबीए कहां पे स्टैंड कर रहा है, इस पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए से ज्यादा पावरफुल है लेकिन ट्यूरिंग मशीन से लेस पावरफुल है। और कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, दैट इज सीएसएल, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होगी, पीडीए के लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री हो गई, और सीएसएल जो है वो एलबीए में आ गई। और अगर हम बात करें रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एनुमरेबल, उनके लिए हम यूज करते हैं जनरल ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना गाइज कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास दो वर्जन आ जाते हैं, कौन कौन से, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक, पुश डाउन में डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ट्यूरिंग मशीन में डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन एलबीए में सिंपल एलबीए ही है। अगर आपको कहीं पे भी एग्जाम में आ जाए कि वेदर देयर इज अ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ऐसा कोई फंडा नहीं है, एलबीए का अभी तक जो है वो सिंपल एक ही चीज है, दैट इज लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। और लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट करता है, दैट इज सीएसएल। देन अगर हम बात करें, यहां पे हमने लिमिट तो कर दिया, तो मोर पावरफुल है देन पीडीए बट लेस पावरफुल है देन व्हाट, ट्यूरिंग मशीन। तो यानी जो लैंग्वेजेस पीडीए एक्सेप्ट करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, क्या वो एलबीए कर रहा है, ऑब्वियसली एलबीए वो काम तो कर ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, वो आपको यहां पे मैंने स्टैंडर्ड जो है वो लैंग्वेजेस लिख दी है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स यहां पे लिख दिए व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय LBA not by PDA, getting the point? तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट नंबर है, दैट इज A पावर N, B पावर N, C पावर N। इवन आप आगे इसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हो D पावर N, E पावर N, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ A पावर N, B पावर N तक करता है, एक कंपेयर, लेकिन जहां पे दो कंपेयर आ गया, इससे भी ज्यादा का आ गया, तो वो आपका लीनियर बाउंड ऑटोमेटा करेगा, PDA नहीं करेगा। इसके अलावा A पावर N वेयर N इज प्राइम, वेयर N इज नॉन प्राइम, A पावर N फैक्टोरियल, देन WW मतलब स्ट्रिंग फॉलोड बाय सेम स्ट्रिंग, WWWR रिवर्स, देन W पावर N, देन A पावर N वेयर N इज इक्वल टू M स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर ऑफ N। तो ये जो जितने भी एग्जांपल आपको बता रहा हूं, इनको सबको याद ही रखना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट आ जाता है कि चेक करो विच इज एक्सेप्टेड बाय द LBA और नॉट। तो ये एग्जाम्पल जो है वो मोर देन सफिशियंट है। पावर याद रखना कहां पे स्टैंड करता है, इससे ज्यादा आपको एलबीए में कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दीज पॉइंट्स आर मोर देन सफिशियंट। थैंक यू।